और मेरा नाम सत्यम पांडे है और मैं रवि ग्रुप के काम करता हूँ। मेरे जो सेठ है फारूक भाई करके, मैं उनका वर्कर हूँ। मेरे साथ जब मैं उधर अपना काम करता हूँ तो उधर अपोजिट में जो सोसाइटी के सेक्रेटरी है उनका नाम शिव बहादुर यादव है। तो शिव बहादुर यादव ने मेरे को धमकी दिया था कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, इधर बैठ मत, इधर से चले जा और मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। तो सर ऐसा तो कुछ हम लोग से उससे कुछ नहीं, झगड़ा नहीं, कभी कुछ आपस में कुछ हुआ, हमें अपना काम करते रहा और मुझे हल्की मेरे को उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन कल की डेट में मेरे को चौकी से फ़ोन आया कि आपको चौकी बुलाया जा रहा है। तो मेरा उसमें कुछ था ही नहीं सर, मेरे को अचानक से एक डर लगा कि मेरा क्या हुआ जो अभी मेरे को चौकी में बुलाया गया। तो जो सामने वाला बंदा जो उधर का उनका बाउंसर था, वो अपना खुद से उंगली तुड़वा के शताब्दी हॉस्पिटल गया। शताब्दी हॉस्पिटल जो एसबी रोड पे उधर गया, उधर से उनको पता चला कि ये फेक केस है। वहाँ पे पुलिस वाले ने चौकी पे उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये फेक केस है। उल्टा किसने उसको, पुलिस वालों ने मेरे को सपोर्ट किया, ऐसा कि नहीं सपोर्ट किया, सपोर्ट किया। और वो सामने वाला जो बंदा गया था उसको लेके पुलिस वालों ने अपना पूरी तरह से जो भी इन्वेस्टिगेशन किया, उसको जो भी डराया, धमकाया, मारा, जो भी किया उसको ना, उसने सामने वाले का नाम लिया। वो सामने वाले का नाम जो ऑपोजिट का सेक्रेटरी है शिव बहादुर यादव ने, उसने ये काम दिया था कि आप ये जाओ फेक केस करो और इन सत्यम पांडे का नाम लो चौकी में जाके, उसके ऊपर FIR करो, जो भी केस बनता है, जो भी धारा लगता है। ऐसे तरीके पुलिस वाले अपने को मदद करे, सपोर्ट किए उन्होंने। बस मेरे को यही है कि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन ऐसा कोई भी केस करके लेके जाए किसी के ऊपर। अब मुझे शिव बहादुर से तो ज़िंदगी भर का डर रहेगा कि वो मेरे को ऐसा जेल भजवाने की कोशिश कर सकता है, तो बाई चांस और भी कभी कर सकता है, वो कभी भी मुझे कहीं भी फंसाने की कोशिश कर सकता है भाई। तो मेरे को यही है पुलिस वाले से, मेरे को यही कि पुलिस वाले मेरे पे पूरा कोई भी केस ऐसा मेरे नाम से झूठा झूठा आया तो उस पर फुल इन्वेस्टिगेशन करे कि सत्यम पांडे के फला फला धारक कोई आया है मेडिकल लेके, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, फिर मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाया जाए। क्योंकि मैं जब इसमें कुछ था ही नहीं, मेरा जो भी कॉल लोकेशन या मेरा जो भी एड्रेस उधर पहले देखे कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, मुझे इनडायरेक्टली ये केस में ना घसीटा जाए। कल मेरे ऊपर वाले जो भी हो या करिश्मा हो, जो मैं बच गया हूँ तो उसके बाद से मैं बचा हूँ जो भी है। आप आरोप लगा रहे हैं जिसको, उनका नाम क्या कुछ बताएंगे? आरोप जिसका नाम है वो अपोजिट का सेक्रेटरी है सोसाइटी का, उसका नाम है शिव बहादुर यादव। वो शिव बहादुर यादव वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसके भी अपोजिट में हमारे जो बाउंसर बैठा है उसके बाउंसर है। वो सेक्रेटरी कोई खान करके चलाता है उसने, वो बाउंसर को जो भी उसके हैं वो लोग शिव बहादुर यादव बैठाया है ऐसा है। पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे, उनका क्या रूप है? पुलिस के रूप में पुलिस हमको सपोर्ट की, ऐसा कि नहीं पुलिस सपोर्ट की, लेकिन पुलिस ऐसा हाल की मेरे नाम से कोई और शिव बहादुर एक बार किया, अभी मेरे साथ और भी मेरे को जान से मारने का धमकी भी दिया, मुझे जान से मारने का धमकी भी दिया। ये मैं पुलिस वाले से यही कहना चाहता हूँ कि कल को मेरे नाम से कुछ भी हो कि मुझे बस ये है कि फुल सपोर्ट करे, ऐसा झूठे केस में पहले मेरे नाम से जो भी है तो इन्वेस्टिगेशन करे उसको, कि बस और मिलती है।